खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, एक्टर सलमान खान को धमकी का मामला, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान को पहले भी धमकी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई और अब तिहाड़ जेल में इस गैंगस्टर से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सलमान खान को धमकी भरा एक लेटर मिला था जिसमें ना सिर्फ उनको बल्कि उनके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहा गया था कि मूसे वाला जैसा हाल आपका कर देंगे। हालांकि मुंबई, लगातार मुंबई में इसको लेकर उनकी सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, हालांकि दिल्ली की तिहाड़ जेल में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन सलमान खान की सुरक्षा को लेकर किस तरीके के कदम उठाए गए हैं मुंबई में? देखिए, अभी मैं मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर्स में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं यहीं पे हूं और अभी अभी हम लोग ने मुंबई के सीपी से बात की और उन्होंने यही बताया कि हम उसको जो खत आया था उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या जो ये लेटर भेजा गया है, ये धमकी का लेटर भेजा गया है, ये किसने भेजा था, इसकी छानबीन कर रहे हैं। और हम लोग ने उसके ऊपर 506(2) इसके ऊपर ऐसे ही जो गुनाह है वो दाखिल कर दिया है। हम सभी जो जांच है वो देख रहे हैं, जांच की कड़ियां जुड़ा रहे हैं, किसने ये लेटर दिया था, क्या इसका मामला तिहाड़ जेल से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या किसी ने इसकी साजिश की हुई है, ये पूरा मामला जो है मुंबई पुलिस देख रही है। और मुंबई पुलिस के आला अधिकारी जो है वो सुबह ही सलमान खान के घर पे गए थे और उन्होंने जायजा लिया कि क्या सलमान खान को और सुरक्षा देने की ज़रूरत है। और जैसे ही आपको पता होगा कि जल्द ही जल्द सुरक्षा जो है उनको मुहैया करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे कि कैसे आला अधिकारी आज सुबह ही पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया और अब जल्द ही उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है। चलिए, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हिंदुस्तान।